अभी चल रही है मंदिर की सफाई। तो ये मम्मी झूमर वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें दे रही हैं जो लगी हुई है ना। और ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने पिछले साल मंगवाए थे ना मम्मी ऑर्डर करके, ये पर्दे। अभी अभी इसके बाद क्या करोगे फिर? इसके बाद मैं आएगी सफाई करूंगी। तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, धूप है, कल भी हल्की फुल्की धूप थी और आज भी धूप है। और ये देख रहे हैं आप हमारे, ये हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि हमने बारिश में रख दिए थे कि क्योंकि अंदर थोड़े से ये थोड़े सूख रहे थे, तो हमने सोचा कि नेचुरल वाटर से थोड़ा सा इनमें फ़र्क पड़ जाएगा। कपड़े भी बाहर सूख रहे हैं क्योंकि धूप इतने दिन से नहीं थी और मीना ने सारे कपड़े बाहर डाल दिए सूखने के लिए। तो वेदर ठीक है कभी कभी, फिर अब हमेशा तो बारिश हो भी नहीं सकती है ना। एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप लोग, रे खुला हुआ है और मैक को बंद रखा है। और आपको पता है क्यों ऐसा? क्योंकि रे है छोटा और बहुत समझदार है और मैक बहुत ही ज़्यादा शैतान है। मतलब मैक इतनी उधम मचा देता है घर में इतनी ज़्यादा कि पूछो मत। पर सबसे पहला डॉग हमारे घर में मैक है, मैक को बहुत प्यार करते हैं। पर जब से ये रे आया ना, तब से प्यार बढ़ गया इन लोगों का। सिट 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 सिट। जब भी हमारे घर में ना नवरात्रे या पूजा वगैरह हवन कुछ भी होता था, हमारे घर में काफ़ी सारे फ्लावर्स के जो है ये पेड़ हैं, तो हम लोग अपने फ्लावर्स वगैरह जो है ना यहीं से तोड़ लेते हैं मंदिर के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं। ध्यान को कार्रवाई करने का बहुत शौक हो रहा है, देखो कैसे गीला हो गया। अच्छा ठीक है, आप भी करोगे? ध्यान आप भी करोगे क्या? नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते नमस्ते, गुड बॉय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की, पहली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी बस फिलहाल मैंने आप लोग को दिखाया कि मम्मी जो है अभी जो है सफाई वगैरह कर रही है। एक्चुअली क्या है ना, कल जो है शाद जो ख़त्म हुए थे, तो कल भी जो है हम लोग शॉपिंग नहीं कर सकते थे नवरात्रि की, तो अभी फ़िलहाल कोई शॉपिंग भी नहीं करी है। और बस अभी सुबह मम्मी उठ कर के अभी ये सब मंदिर वगैरह का साफ कर रही है मम्मी और मीना, और देन फिर मम्मी ये लोग लेकर के आएंगे अड्डे पे ही जाएंगे मार्केट पे ही, तो गांव वाली मार्केट है तो वहीं से ही जो है जो भी नवरात्रि का जो सामान होता है मम्मी ने, हम वैसे कल बाहर गए थे हम लोग घूम फिर कर भी आए, तो बस उसमें मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, वैसे चलो हम लोग बिना ब्लॉग के आज चल करते हैं। तो बस वहाँ से आए और हम लोग ने सामान वगैरह नहीं लिया, तो मम्मी ने कहा मैं अपने गांव से ही ले लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बाहर से ही लें, तो गांव में मिल जाएगा। तो इस करके हम लोगों ने वहाँ से सामान वगैरह नहीं लिया और बस अभी मम्मी सफाई वगैरह कर रही है मंदिर की, देन मम्मी जो है जाकर के सामान वगैरह लेकर आएंगी पूजा का आज के दिन, जो भी मतलब सामान उनको चाहिए। और फिर मम्मी नहा करके फिर पूजा होगी हमारे घर में। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यार पता है मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग व्लॉग्स को देखते हैं बट कोई भी कमेंट्स करके नहीं बताता है कि कैसा व्लॉग है कैसा नहीं है। कम से कम यार कॉमेंट्स तो करिए यार, ऐसा थोड़ी होता है, मजाक कर रही हूँ, कर देना यार प्लीज़। फास्ट रखा हुआ है ना हमारे घर में, वो मम्मी ने और मीना ने रखा हुआ है जो कि हमेशा रखते हैं यही दो जन। तो मैं वैसे भी नहीं रख सकती क्योंकि ध्यान छोटा है, तो मुझे ध्यान को मतलब ध्यान के लिए मतलब मेरे लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम टू टाइम मुझे अच्छा खाना खाना तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ फीड। तो इसीलिए बस और कोई रीज़न नहीं है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूँगी रखने की, हालाँकि कभी लाइफ में रखा नहीं है ऐसे नवरात्रि के फास्ट, बट ठीक है। पर हाँ कंच का जो घर में बैठा के खिलाते हैं ना लड़कियों को, वो मैंने बहुत खाई है। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तब बहुत मज़ा आता था जब कि हाँ भाई अब चलो सबके पास शुरू हो गए हैं, तब भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं, बट हाँ इतना पता होता था कि जाएंगे जाकर के हलवा पूरी खा करके आएंगे और अपने लिए गिफ्ट्स लेकर के आएंगे। तो बस वही बस मम्मी और मीना ने रखा है, और खैर मम्मी घर की बड़ी है उन्होंने रखा है, तो यही बहुत है हम लोगों के लिए, हम तो छोटे बच्चे हैं खैर। तो आप लोगों के घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए इस नवरात्रि और हमारे घर में भी आए। तो ये कलश रखी जा रही है और जो सामान वगैरह मम्मी लेकर के आ गई, है ना रेती आओगी,
और ये माला ली आई, इनकी सारी तस्वीर आप डालेंगी। ये मेरे पूजा का सामान आ गया सारा। ये मिशन का प्रसाद है, ये पतासे का प्रसाद है, ये मेरा नारियल है, ये वो देवा का प्रसाद है, इसके माँ बचा करिए। किसका? इसका इनमें से बटिया करिए। अच्छा, यो वो पार्ट पार्टी, वो इसमें मैं लाऊंगी। ये मेरे जो है जो मुँह, ये कन्या का श्रृंगार है, ये मेरी लौंग हुए सारा सौदा। तो सारा सामान आ गया लगभग ना? सामान आ गया, बस रेती रह, बस अब रेती ला करके वो जो बोली है ना, जो बोलूंगी वो बन गया, जो मैं जो तो बच्ची करूंगी। ये दोनों पार्ट भी नहीं, ये मिश्री वाले, ये मत वो मैं लगा है प्रसाद में। जोत की कर रही के जोत की, ये नहाने के बाद ही होगी। हाँ हाँ, नहाने के बाद में बरेती हो जाऊंगी, फिर नहा कर करूंगी। ये मैं जो भी लोग हैं, मैं तो अंडर ढूंढ रही थी आप लोगों को। ओए पूरी गासन घूम गया पीछे तक। अरे बाप रे बाप, अकेला ऐसे ही बंदे ऐसे ही हो रहा है। देखो ये ध्यान कहाँ जा रहा है, इसको बस गासन में जाना है। ये कैसा लग रहा है अभी? अरे 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 देखो। ये देखो ध्यान की बदमाशियां, देखो इसको बिल्कुल डर नहीं लगता। अरे बाप रे बाप, पर ये जो गिरा ना उसके बाद निकल लेता है। ये देखो कहाँ जाना चाह रहे हो भाई, चींटी के ऊपर खड़ा हो गया, मूत के आ गया। ध्यान, ए ध्यान, ओए अच्छा अब ध्यान भगाया करेगा, छिपकली बड़ा हो गया। जाट बॉय, जाट बॉय, ध्यान तो जाट बॉय है। आजा ध्यान, पीछे चलेंगे। ओए ओए आजा, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी जल्दी, छोटी बड़ी घास नहीं देखता, सीधा घूमता है। हाँ ठीक, तो किचन वगैरह तो मैंने साफ कर लिया और अभी ध्यान की बॉटल जो है स्टरलाइज कर रही हूँ सारी की सारी, और अभी बस मैं पहले गूंद के रख रही हूँ आटा। तो ऑलमोस्ट सारे जो है पूजा का सामान वगैरह सब कुछ हो गया है, बट जो एक जो लगाते हैं ना, जो हरे हरे पौधे होते हैं, बस वही रह रहा है। उसके लिए मम्मी लेने गई है रेत, तो बस उसको मम्मी लगा देंगे, फिर मम्मी नहाएंगे और मैं भी, हम लोग नहा करके फिर करेंगे पूजा, और उसके बाद देखते हैं फिर कि क्या खाना है। मुझको पर बहुत ज़्यादा की भूख लग रही है, पर पूजा के बाद ही जो है हम लोग खाएंगे, यूपी को भी भूख लग रही है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं खाने में अभी मैं बस आटा गूंद करके रख रही हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए बाद में रोटी वगैरह बनाना। और आज मैं सोच रही हूँ कि सब्जी में जो हम बनाएंगे ना, हम लोग शिमला बनाएंगे, शिमला को स्टफ करके भर के। तो मैं सोची लंच में आज ये सब्जी बनाऊँ, और मनोज का खाने का मन भी था ये सब्जी। मनोज कहीं गए थे किसी के घर, तो वहाँ पे खाया था मनोज ने, तो मनोज ने कहा था मम्मी से कि इस तरह से सब्जी बनाना। तो चलो आज मैं से ट्राई करती हूँ, मैंने कभी बनाई नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि भरवा शिमला मिर्च कैसे बनेगी। ठीक है, ध्यान के पैर धुलवा रही हूँ बाहर, जो ध्यान ने बहुत गंदे कर लिए हैं। आउटफिट के लिए मैंने जो है ये सूट निकाला है अपना, तो ये जब से मतलब मैंने सिलवाया है, शायद ही इसको मैंने एक बार भी इसे पहना होगा, शायद, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो ये ऐसे किसी नया था, तो मैंने अभी अपने कबर्ड में से ये सूट निकाला है। तो ये सलवार है इसके साथ, और ये साथ में इसका ये दुपट्टा है, दुपट्टा इसका बहुत सुंदर है। ठीक है, और बैंगल्स इनके साथ मैं ये वाले पहनूंगी, और ये इस पर मैच हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और इयररिंग्स के मेरे पास दो ऑप्शन हैं, तो ये वाला भी इसमें बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसमें ग्रीन स्टोन है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये वाला भी बहुत, ये मुझे रेखा दीदी ने दिया था, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखते हैं दोनों में से जो ज़्यादा सुंदर लगेगा इस कपड़े पे, तो मैं इसे पहनूंगी। और बस ये जींस, तो बस ध्यान को मैंने नहला दिया है, ध्यान हो गया रेडी, और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। ठीक है,
ध्यान दिखाओ नहीं लगा मम्मी हाँ ठीक है तो पूजा की सारी तैयारियां हो गई है मम्मी ने सब कुछ रेडी कर दिया अच्छे से वो भोग लाइट वाट बढ़ाओ भोग कौन सा तो ढकने की वाली का भोग लाइट अगर अच्छा तो बस अब हम लोग आरती करेंगे तो लोग आप लोग ने मेरा देख लिया मैंने बस ये अपना सूट पहना है साथ में ये एक्सेसरीज पहनी है तो कैसा लगा लुक तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना और अब जल्दी से हम लोग करेंगे अपनी आरती वगैरह और अभी तक तो कुछ खाया पिया भी नहीं है तो जैसे ही आरती हो जाएगी वैसे ही फिर मैं मम्मी को पहले चाय वगैरह फ्रूट्स वगैरह दूंगी और फिर मैं सोच रही हूँ पोहा बनाने के लिए तो फिर मैं पोहा बनाऊँगी ठीक है तो अब बस हमारी आरती होगी सारी चीज़ हो गई मम्मी करो आरती ध्यान क्या हो रहा है देखो क्लैप करो क्लैप क्लैप जल्दी जल्दी क्लैप ध्यान अभी ध्यान ध्यान का बात लगा दे ले ना तू ना ध्यान पकड़ थाली पकड़ ध्यान ही नहीं दे ले हाथ लगा थाली में अच्छी हाथ जोड़ ली तो यहाँ पर चाय बन रही है और ये मैंने अपने लिए और ध्यान के लिए अगर ये भी खाना चाहें तो ये भी खा लेंगे मैंने पोहा बनाया है देखिए तो मैं बस अभी मम्मी को जो है चाय दूंगी उसके बाद अगर जो भी उन्हें फ्रूट्स अपना खाना होगा तो वो खा लेंगी तो फ्रूट्स में कल हम लोगों ने बनाना हो गया और एप्पल ला करके रख लिए थे तो अभी देखते हैं सबसे पहले तो अभी मम्मी चाय ही पियेंगी उसके बाद ही कुछ जो है खाना वीना करेगी मीना भी सेम यही करेगी तो मेरा पोहा बन गया और अब मैं खाऊंगी अपना पोहा तो मम्मी की मैंने दे दी है चाय तो अब आप क्या खाओगे इसके बाद केले खाऊंगी मैं केले खाऊंगी सिर्फ केले बस ठीक है मतलब ये नोट मैं इसलिए करूँ मेरे घर में सुख शांति और शुभ काम सारे बढ़िया तरिया हो जाए अच्छे है मेरे कुकुर में मैं सुख शांति और मेरा परिवार आगे चल रहा है और सारे काम बढ़िया हों हमारे परिवार के उड़ता है सबकी उड़ता है हमारी शुभकामना आज सब सबका सुख भगवान को अच्छे से करे मतलब सभी के घर में बरकत दे अच्छे बरकत करे अभी सबको सुख शांति मिले आप सब ने लाभ हो चीज का तो बस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने मम्मी को भी चाय वगैरह दे दी बना कर साथ में उन्होंने केले भी खा लिए थे थोड़ी देर बाद और ध्यान को भी मैंने खिला करके सला दिया है और आज का दिन जो हमारा पहला नवरात्रि था वो बहुत अच्छे से मतलब सारी चीज़ें हो गई मैंने तो खैर नहीं करी मम्मी ने करी पर बहुत अच्छे से होगी सारी चीज़ें और 9 दिन तक बस मम्मी का यही रहेगा कि मम्मी फ्रूट्स खाएंगी और चाय पियेंगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं तो अब जो है मैं करूँगी अपने लंच की तैयारी क्योंकि लंच को बहुत टाइम हो गया 1:30 बजने वाला है और रेमैक भी भूखे उनकी भी रोटी बनानी है तो मैंने आपको बताया था आज मैं भरवा शिमला मिर्च बनाने वाली हूँ तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको शॉर्ट्स में डाल करके दिखाऊंगी कि इसकी इमेज के वो किस तरह की बनी है बाकी व्लॉग को जो है मैं अभी यहीं पे एंड करूंगी और फिर अपनी तैयारी वगैरह करती हूँ आप लोग को व्लॉग कैसा लगा आज का ज़रूर बताना और कमेंट्स करके भी बताइएगा और मेरा लुक कैसा लगा वो भी प्लीज़ बताना तो बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय